Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। मैं बनना तो पहलवान चाहता था, अखाड़े वर्जिश के लिए गया, मगर उस्ताद पहलवान ने ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारी वर्जिश के लिए इतना ही काफ़ी है, तुम रोज़ाना दो कुश्तियाँ देख लिया करो। मतलब मेरी वर्जिश से दूसरे लोग पहलवान बनने लग पड़े। दोस्तों ने कहा पायलट बन जाओ, मैंने कहा जहाज़ कैसे उड़ाऊँगा, बोले वो खुद तालिबान उड़ा लेंगे। मुझे इतना हाइट फोबिया था कि आज तक लंबी लड़की से दोस्ती नहीं की। अब बाई रोड जहाज चलाता अच्छा लगता, सो मैंने सोचा इंजीनियर बनता हूँ। FSC इंजीनियरिंग में दाखिला लिया तो FSC मेडिकल के दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया, इंजीनियर तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम ही ना हुई तो। मैंने कहा मैं क्रिएटर बनता हूँ, खुद क्रिएट कर लूँगा। बोले इंजीनियर को तो उसकी बीवी भी खाने के लिए कॉल नहीं करती, ईमेल भेजती है। फिर पूछा अच्छा इंजीनियर की कोई और खूबी, बोले मैकेनिकल इंजीनियर बनना है या सिविल इंजीनियर, दोनों में ये फ़र्क है कि मैकेनिकल इंजीनियर बम बनाते हैं और सिविल इंजीनियर उनके लिए टारगेट। तो ज़्यादा दोस्त मेडिकल में जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा डॉक्टर और इंजीनियर में ये फ़र्क है कि डॉक्टर एक वक्त में एक ही बंदा मारता है। फिर उन्होंने फाइनल दलील दी कि डॉक्टर को इजी मत लो, डॉक्टर तो हसीनाओं को देखने के भी पैसे लेते हैं। दलील बहुत वजनी थी। मजीद कहा कि डॉक्टर बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बंदा अपना डायग्नोसिस खुद कर सकता है। है किसी और शोबे में ये सहूलत? हमने फौरन प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि हम इंजीनियरिंग से मेडिकल में शिफ्ट होना चाहते हैं। प्रिंसिपल ने कहा देखो पाकिस्तान में हुकूमत करनी है तो आर्मी में जाओ, खिदमत करनी है तो घर जाओ, पैसा कमाना है तो कभी डॉक्टर ना बनो, मलक रियाज बनो। डॉक्टर में हमने देखा डॉक्टर पैसे के लिए डॉक्टर नहीं बनते, बनने के बाद पैसे कमाते हैं। आज अपने दोस्त डॉक्टरों से बात करता हूँ तो पता चलता है उनमें से 50% भी डॉक्टर ना बनते अगर वो इनको पता होता जो अब पता है। जाहिर है उनको क्या पता था कि इमरान खान की हुकूमत आनी है। पहलवान तवायफ और सरकारी अफसर का बढ़ापा ख़राब होता है और नौजवान डॉक्टर का हाल ख़राब होता है। डॉक्टर बनने के लिए दिन रात पढ़ना पड़ता है, डॉक्टर बन जाओ तो फिर भी डॉक्टर रहने के लिए दिन रात पढ़ना पड़ता है। तो डॉक्टर तीन किस्म के होते हैं, एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, दूसरे प्रैक्टिकल डॉक्टर और तीसरे दायमी मरीज। अच्छा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर वो होते हैं जिनके नाम में तो डॉक्टर लिखा होता है मगर वो कार अभी प्रैक्टिस ही रहे होते हैं, और यही नहीं कि वो अपनी प्रैक्टिस भी दूसरों पर करते हैं। और प्रैक्टिकल डॉक्टर वो होता है जो कोई और जॉब ढूंढ रहा होता है। शुरू में डॉक्टर बनने का इतना शौक था कि हॉस्टल से सुबह सुबह उठकर क्लासरूम में सबसे पहले पहुंचता कि लेट हो गया तो आखिरी बेंच पे जगह नहीं मिलनी। तब मैं समझता था किस्तों में भी डॉक्टर बना जा सकता है, जैसे मैं समझता था कि जो सिर्फ एक किस्त पास करते हैं वो डेंटिस्ट होते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर और स्पेशलिस्ट में यह फ़र्क होता है कि स्पेशलिस्ट आपकी उस बीमारी का इलाज करता है जो है, जबकि जनरल प्रैक्टिशनर ये समझता है कि जिस बीमारी का वो इलाज कर रहा है वो आप में है। स्टूडेंट लाइफ में ये बार बार सुनने को मिलता, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। हमने कई नर्सों को सेब खाते देखा मगर उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वैसे आजकल ताज़ा सेब जितने महंगे और ताज़ा डॉक्टर जितने सस्ते हैं, वो सेब डॉक्टर को ही दे दें वो खुद परे हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन को कैसे पता था कि ये ज़माना आना है?
उसने तब ही कह दिया था, नौजवान डॉक्टरों और बूढ़े जामों से बचे। बंदा एक बार डॉक्टर बन जाए, फिर चाहे ये फील्ड छोड़कर बाइज्जत हो जाए, सेक्रेटेरिएट वाले फिर भी उसे ओ डॉक्टर कह के बुलाते हैं। हमने डॉक्टरी शुरू में ही छोड़ दी थी, फिर भी लोग हमारी हैंडराइटिंग देखकर पहचान लेते कि हम डॉक्टर हैं। हमारे एक डे स्कॉलर दोस्त का हमसाये ने सर फाड़ दिया, पूछा क्या हुआ, बोला इनकी बेटी को किसी ने रुक्का फेंका, वो समझ रहे हैं मैंने फेंका। पूछा उन्हें शक कैसे हुआ, बोला लिखाई पढ़ी नहीं जा रही, वो समझ रहे हैं किसी डॉक्टर का ही होगा और पूरी बिल्डिंग में मैं ही डॉक्टर हूँ। अच्छा, पहले बिल्डिंग में एक आध डॉक्टर होता था, अब तो कोई बिल्डिंग ही ऐसी मिलेगी जिसमें सिर्फ एक आध डॉक्टर हो। डॉक्टरी मसीहाओं वाला काम है, डॉक्टरों को ये पता हो ना हो, हुकूमत को पता है, इसीलिए वो सलाम ही बढ़ाती है, सैलरी नहीं। डॉक्टर इतने खुश फहम होते हैं कि जो मरीज आना बंद कर दे वो समझते हैं वो ठीक हो गया है। वरना मेरे जैसे बंदे को भी पता है कि वो या तो अल्लाह के पास चला गया है या किसी दूसरे डॉक्टर के पास। नौजवान डॉक्टर बनने में बहुत चोटें लगती हैं। अभी पिछले दिनों एक हाउस सर्जन से पूछा, माथे पर चोट का निशान कैसा है, कहने लगे वो जो नर्स मुझे असिस्ट करती थी, वो जिसका खामंद दुबई में रहता था। पूछा हाँ फिर, बोला आजकल वो दुबई में नहीं रहता। शेख रशीद स्टूडेंट लीडर थे, जुल्फकार अली भुट्टो से जाब का कहा, उन्होंने कहा बीए कर लो तो मैं नौकरी दिलवा दूंगा, मगर शेख साहब से बीए ना हुआ, वरना आज वज़ीर की बजाय क्लर्क होते। डॉक्टर की पढ़ाई भी पढ़ाई नहीं चढ़ाई है, आपने चढ़ते ही रहना है, तभी आप डॉक्टर आला बन सकते हैं। अगर आप नालायक हैं तो फिर टाइम ज़ाया ना करें, इससे कम मेहनत से आप वज़ीर आला बन सकते हैं।